नमस्कार, एटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज बीजेपी के यूथ ब्रिगेड के प्रवक्ता विनय चौधरी जी। जानते हैं उनसे आगामी 2019 में होने वाले चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है और क्या उनके प्लानिंग है। विनय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। देखो, 2019 के जो चुनाव हैं इस समय, ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। जो 2014 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वो एक नाम पे चुनाव लड़ा था, जिस समय हमारे पास एक फेस हुआ करती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फेस था। लेकिन अभी हम 2019 का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो 2019 का जो चुनाव है वो हम काम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हम काम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई देश जानता है कि कितना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमने राष्ट्र को आगे लेके काम किया है, देश को आगे लेके काम किया है, युवा को आगे लेके काम किया, किसान को आगे लेके काम किया है, और आगे आने वाले जो रोजगार हैं, यूथ है, उसको साथ में लेके काम किया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र समर्पित पार्टी है, जो कि राष्ट्र में बिलीव करती है। और आज देखते आ रहे होंगे, हमारा एयर स्ट्राइक रहा हो या हमारे और भी हमने जो हमारे अटैक रहे हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें बिना सोचे समझे, बिना एक डिसीजन मेकर की क्षमता है अपने पास। जो नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है, उसका कोई तोड़ नहीं है। देश छोड़ा विदेश में, पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ नहीं है इस प्रधानमंत्री का। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस इतना अच्छे हमें प्रधानमंत्री मिले। क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आ सकती है इस बार बीजेपी की? सीटों का अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यूथ हूँ, यूथ के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो 300 प्लस हमारी सीटें हर हाल में होंगी इस बार, क्योंकि हम बहुत अच्छे लेवल पे हमने 5 साल के अंदर अच्छा काम किया है, किसानों के हित में काम किया है। तो ये आप आइडिया लगा के चलो कि हमारा लगभग 300 प्लस हमारी सीटें इस बार रहेंगी। लोगों को लगता है, अगर हम कांग्रेस की बात करें, अदर पार्टियों की बात करें, तो लगता है कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। रोज़गार की बात करें तो लोगों ने, मोदी जी ने किसी को रोज़गार नहीं दिया गया है, तो उस बारे में क्या कहना है? नहीं, आप ज़मीनी स्तर के आंकड़ों पे बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। जब रोज़गार की बात होती है, यूथ को रोज़गार मिला है, जो रोज़गार के लायक हैं, जिनको उन्होंने क्रैक किए हैं एग्जाम्स अपने, वो लोगों ने रोज़गार पाया। ऐसा नहीं है कि अभी तक 5 साल के अंदर नौकरियाँ नहीं लगी हैं। लगने वालों की इतनी नौकरियाँ लगी हैं, जॉब्स हुए हैं। इवन मोदी जी ने मुद्रा योजना के तहत 5 लाख का विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स के एक लोन दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कोई भी एक आम आदमी सीधा जाके बैंक में जा रहा है और 5 लाख का लोन लेके आ रहा है और 5 लाख से अपना बिजनेस कर रहा है। कम बात है? आज तक की 60 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 60 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर मोदी जी ने किया। और मुद्रा योजना के अंदर जो इतना 5 लाख तक का लोन दिया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जो कि हम यूथ उसका पूरा एप्रिसिएशन करता है। मोदी जी ने जैसे नोटबंदी करी, उसके बाद लोगों को बहुत समस्याएं, परेशानियां उठानी पड़ी, तो उसको लेके क्या कहना कि कहीं ना कहीं नोटबंदी क्या जनता के हित में थी या किसकी, काले धन को बाहर लाने के हित में? ऑब्वियसली काले धन को बाहर लाने के हित में थी। आज आप देख रहे हो, जब नोटबंदी हुई है तब जाके नीरव मोदी जैसे, माल्या जैसे, ये लोग निकल के आए। अगर हम, ये भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी नहीं कर रही होती, पीएम नोटबंदी नहीं कर रहे होते, तो आज हमारी स्थिति और ज़्यादा नागुजार होती। जो हम एक कांग्रेस के टाइम पे लोन देते थे ना, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का लोन ऐसे मिलता था आँख बंद करके। लेकिन आज लोन उनको मिल रहा है जो लोन लेने के हकदार हैं। आज के जो एक नया, अब सपोज करो कोई अपना नया बिजनेस ओपन कर रहा है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, सारी चीज़ें चेक होंगी, तब जाके लोन मिल रहा है। ये काले धन वालों से जितने लोग हैं, जो इतनी लिस्ट उठा के देखो आप, कितने लोगों का काले धन का व्यापार से नाम उजागर हुआ है, जो कि जेल में सड़ रहे हैं, जेल में जाने में डर रहे हैं, भारत देश छोड़ के चले गए। कितने लोगों का, नीरव मोदी ले लो, माल्या ले लो और मेहुल चौकसी ले लो, तो एक से एक जो ये कारनामा करके बैठे थे, इनका नाम उजागर हुआ है। तो ये केवल मोदी सरकार कर सकती है और किसी के हक की बात नहीं है। कहते हैं सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस बार जैसे यूपी में सपा बसपा दोनों एक साथ गठबंधन कर चुके हैं, तो इस गठबंधन को लेके क्या कहना, कितनी सीटें यूपी से आ सकती है बीजेपी की? मैं गठबंधन पर, मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, क्योंकि इससे बड़ा ठगबंधन हो नहीं सकता। जो मायावती एक समय पर आके डरती थी मुलायम सिंह के, जिनके ऊपर हमले के लिए आरोप लगाए थे कि मेरे ऊपर हमला हुआ, आज उन्हें अपनी साख बचाने के लिए, जो सब आपको मैं सीधा बता रहा हूं कि मुझे तो हंसी आती है अखिलेश यादव जी पर, कि अखिलेश यादव जी अपनी यहां पर यूपी के अंदर 6 से 7 सीटें लेके आए हुए थे यूपी के अंदर, और आज वो हाथ जोड़ रहे हैं 0 सीट वाली मायावती से, जो कि बिल्कुल खत्म थी। अगर वो अपने बेस पे चुनाव लड़ते तो इससे बेटर कर सकते थे, जो आज ये गठबंधन के हिसाब से वो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो ये मुझे इन दोनों के ऊपर हंसी आती है, और ये ठगबंधन है, गठबंधन है ही नहीं। जैसे महागठबंधन की भी हम बात करें कि महागठबंधन जो ममता बनर्जी जी ने किया, उस महागठबंधन को लेके क्या रास्ता मोदी जी का कहीं ना कहीं रास्ता रोकने में ये लोग कामयाब होंगे? देखो ये चक्रव्यूह है, सब लोगों ने बनाया है और चक्रव्यूह को अर्जुन तोड़ता है और अर्जुन हमारा तैयार है। पीएम प्रधानमंत्री चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और आपके सामने तोड़ेंगे। इनसे कुछ नहीं होगा, ये ढोकलाबाजी है इन लोगों की जो सब लोग ये मिलके कर रहे हैं। और ये जनता भी जानती है कि इन सब लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, राजनीति की दुकानें बंद हो गई हैं। तब जाके इन्होंने अपनी सोचा कि क्यों ना कुछ हम सब लोगों को मिलके मोदी को हराएं, क्योंकि इस समय केवल एक ही काम चल रहा है कि मोदी हराओ प्रतियोगिता, कि कैसे भी करें कि मोदी को हमें हराना है हमें। और कोई इनका कुछ चुनावी प्रकरण नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ आगे बात करें, यूथ को लेकर बात करें, काम को लेकर बात करें, देश को लेकर बात करें, राष्ट्र को लेके बात करें, किसानों की को लेके बात करें। इनका कोई योजनाएं नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ एक योजना है कि मोदी हराओ प्रतियोगिता। मोदी जी की योजनाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है वो योजनाएं लोगों तक लाभान्वित हो रहे हैं? मोदी जी की योजनाओं की बात करूं, मैं बता रहा हूँ एज ए यूथ में बात कर रहा हूँ कि मोदी जी की जो योजनाएं काबिल तारीफ योजनाएं, हमने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग हर घर के अंदर गैस की हम लोग उनको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि आप ये सोचो, उज्ज्वला योजना के अंदर हर घर में गैस देने का काम किया है। जो उन माता बहनों से पूछो, वो प्रधानमंत्री ने वो दुख दर्द देखा था अपनी माता बहनों का। हम मैं गाँव की प्रवृत्ति से आता हूँ, मैं गाँव से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि उस माता बहनों के साथ कितनी दिक्कतें होती होंगी जब वो रोज़ रोज़ खाना चूल्हे पे बनाती हैं। और उस चूल्हे पे खाना बनाते टाइम पे आप ये सोचो, एक साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो एक बार जो खाना बनाते हैं वो 200 से 300 सिगरेट का धुआं एक बार में हमारी उनकी आंखों में जाता है। तो कितना सुकून वाली बात की है कि प्रधानमंत्री ने इतना सोचा। अगर ये छोटी बात थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? अगर ये बड़ी बात है तभी तो प्रधानमंत्री ने किया, सोचा कि 60 साल के अंदर इतनी हमारी माता बहनाएं परेशान हुई, उनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। मुद्रा योजना के अंदर बहुत अच्छा काम किया, जिनको गैस हर घर में वितरित की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी मैं योजना की बात करूँगा, सबको शौचालय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो माता बहन, हम जानते हैं 2-3 बजे हम लोग गांव से अपने घर जाया करते थे, बहू बेटी हमारी निकल के जाती थी शौचालय करने के लिए, वहाँ इतनी दिक्कतें फेस करती थी। कभी लाइट पड़ती थी वो डर जाती थी कि यार ये क्या हुआ, लाइट पड़ गई, और हमें खुद डर लगता था कि यार अपनी माता बहनाएँ यहाँ पर है। वो दर्द मोदी जी ने जाना, शौचालय का प्रबंध किया उनके लिए, और आज लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग सीख रहे हैं और शौचालय को एक नए नज़रिए से पेश कर रहे हैं। कहीं शौचालय बन रहा है, वो लोग ओपनिंग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ शौचालय बन रहा है। और ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये अभी शुरुआत है, अभी केवल टेलर है मोदी जी का, बाकी पूरी फिल्म ये 2022-23 तक दिखा देंगे। 2022 तक सबका लक्ष्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है सबको आवाज़ देने का। क्या लगता है जिस बार भी मोदी लहर काम करेगी? ये मैं एक बात और कहूँ, ये मोदी लहर नहीं है, लोग कह रहे हैं लहर है, मैं कह रहा हूँ सुनामी है इस बार, सुनामी। ये सुनामी होगी, लोग ग्राउंड लेवल पे आप जाओ, लोगों को पता है कि इस पीएम ने काम किया है। अदरवाइज जो पीएम हुआ करते थे 60 साल राज किया है, क्या काम किया आप भी जानते हो, कितनी परेशानी देश के अंदर हुई। राष्ट्र का एक फैसला नहीं ले सकते थे हमारे पीएम, फैसला लेने के लिए उनके पूरे यूनिट से बात करना होता था। आज फैसला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ हैं और बीजेपी से हैं, और क्या मैसेज रहेगा इस चुनाव को लेके कि उनका जो रुझान है वोटर्स का, वो किस तरह से उनको कन्विंस करेंगे? मैं यूथ के लिए बस ये बात कहना चाहता हूँ, यूथ को मेरा एक संदेश है, मैं 2 लाइनों के साथ मैं संदेश देना चाहूँगा कि यूथ को हमेशा एक बुलंदियों के साथ, एक मजबूती के साथ, हमें जो हमारे देश का, जैसे सब कुछ करो, हमारे घर के बड़े सदस्य होते हैं जो घर का नेतृत्व करते हैं, यानी हमारे पिताजी होते हैं, वो अगर घर अच्छे से चलाते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं तो हमें खुशी होती है, फ़ख्र होता है। अगर वो नहीं चलाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है, हमारी माताओं को दिक्कत होगी, बहनों को दिक्कत होगी। इसी प्रकार हमारा जैसे घर होता है, परिवार होता है, ऐसी इसी प्रकार का हमारा देश है। हमारा प्रधानमंत्री जी एक देश को एक परिवार की तरह चला रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो यूथ को बस मैं ये कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, पर मेरा मकसद है किसी भी हालत में ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर, हर सड़क, हर गली, हर राज्य में हर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं यूथ को कह रहा हूँ स्पेशली कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है किसी भी हालत में इन सबकी यूथ की सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, वोटर्स के लिए क्या कहेंगे? वोटर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नए वोटरों की मैं बात करूँ तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो पहली बार वोट कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, कजिन ब्रदर हैं, उन लोगों का पहली बार वोट है तो बड़े उत्साहित थे और वो कह रहे थे कि नहीं, हम लोग इतने उत्साहित हैं कि हमारा पहला वोट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जा रहा है, जो कि हम लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। जैसे एक होता है ना, जब कभी भी हम लोग यूथ हैं तो यूथ में मैं एक बात कर सकता हूँ कि हम कभी अपना पहला प्यार नहीं भूलते, पहला प्यार हमें हमेशा याद रहता है। ऐसे ही हमें हमेशा हमें अपना पहला वोट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और जिसको हम पहला वोट देते हैं, जिसको हम देते हैं, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो 93 में जब ये गठबंधन हुआ था, पहले भी हुआ था बीएसपी और एसपी का, तब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। और जब जब ये हुआ है 93 के बाद एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, तब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। इस बार भी ये गठबंधन हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आप आंकड़े लगा लो, जब जब सरकार नहीं बनी है तब तब सरकार 13 महीने चली है, 7 महीने चली है और 21 महीने चली है। ये 1-2-1.5 साल वाली सरकार चलेंगी, 5 साल वाली ज़िंदगी में नहीं चलेंगी। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये सरकार चलेंगी, गठबंधन होगा ज़रूर, ये जीत भी सकते हैं अगर मैं यूपी की लेवल की बात करूँ, लेकिन ये सरकार नहीं चलेंगी। तो इसलिए इस जनता को, मैं देश को कहना चाहता हूँ कि कभी भी गठबंधन के चक्कर में ना पड़ो। और गठबंधन के चक्कर में पड़ोगे तो ये सरकार 6 और 8 महीने और 13 महीने और 21 महीने वाली सरकार रहेंगी। जैसा कि अभी दिल्ली में बीजेपी ने अपने सातों कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं, जिसमें से उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक पे बहुत ही कड़ा मुकाबला है कांग्रेस, आप और ये बीजेपी के साथ। तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा इस बार इन दोनों सीटों पर बीजेपी के? क्या दिल्ली में इस बार 7 सीटें आ सकती हैं बीजेपी? इस बार दिल्ली में हर हालत में 7 सीटें आएंगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि हर सीट पे कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, हर सीट पे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरी छाँव खड़ी है और मैं खुद प्रत्याशी हूँ। तो हर वोटर को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर सीट पे खड़े हैं। और हम केवल सिर्फ दिल्ली की 7 सीटें नहीं, हम पूरे समूचे, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, हमारी 300+ सीटें हम लोग हर हालत में भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री 23 के बाद में औपचारिक घोषणा आप लोगों के सामने हो जाएगी।